नवरात्रि के व्रतों में अगर आपसे कोई इडली सांभर खाने को कहे तो आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि फलाहार व्रत में इडली सांभर कैसे खा सकते हैं, पर अब आप फलाहार व्रत में भी इडली सांभर खा सकेंगे, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए फराली इडली सांभर, यानी व्रत में खाने वाली इडली सांभर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सांभर में तो तूर दाल और सब्जियां डलती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, सांभर में तूर दाल और सब्जियां डलती हैं, और व्रत के लिए सांभर तैयार कर रहे हैं तो दाल तो हम डाल नहीं सकते, इसलिए दाल को इस रेसिपी से हम हटा देंगे और केवल सब्जियां और कुछ मसालों के साथ में ही सांभर तैयार करेंगे। और ये सांभर इतनी टेस्टी बनती है कि यकीन मानिए, एक बार अगर आपने सांभर बना करके खा ली तो फिर आप बार बार व्रत करना चाहेंगे, या फिर बिना व्रत भी ये रेसिपी आपके घर के मेन्यू में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। तो चलिए फिर व्रत के लिए इडली सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सांभर से। तो सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे एक कप कद्दू, एक कप घिया और साथ में आधा कप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। अब इन सब्जियों को हमें बहुत अच्छा बॉईल करना है, यानी इनको बिल्कुल मैश हो जाए इतना बॉईल करना है, और फिर इनको ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेते हैं ताकि सब्जियों में अच्छा नमक भी एब्जॉर्ब हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो चलिए फिर सब्जियों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर इन्हें कवर करके बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अब जब तक सब्जियां बॉईल हो रही हैं, तब तक इडलियों की तैयारी कर लेते हैं। तो इडली बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक कप समा के चावल, जिन्हें व्रत में काम में लेते हैं, तो इनको व्रत के चावल भी कहते हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया है, धो करके पानी में 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था और अब इनका पानी निकाल लिया है। इसी तरह से हमने साबुदाने भी तैयार करके रखे हुए हैं। ये आधा कप साबुदाने हैं, जिनको अच्छी तरह से धो करके थोड़ा सा पानी डाल करके हमने भीगने के लिए रखा था। 3-4 घंटे भीगने के बाद में साबुदाने इस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको साबुदाने भिगोने की ट्रिक डिटेल में देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हम साबुदाने की खिचड़ी की रेसिपी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ हमने लिया है आधा कप दही, 1 पीस अदरक का। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंड करते टाइम पर यह ध्यान रखना है जितना हो सके कम से कम पानी इसमें मिलाएं, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होता है, तो थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना करके तैयार करें। अब 2 तरह से इडली बनाई जा सकती है। पहला तरीका है, अगर आप इंस्टेंट इडली बनाना चाहते हैं तो इंस्टेंट इडली के लिए हम यहाँ पर इनो काम में लेंगे। लेकिन अगर आप इनो काम में नहीं लेना चाहते हैं तो इस बैटर में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और इसको 8 से 10 घंटे के लिए थोड़ी गर्म जगह पर फर्मेंट होने के लिए रख दें। और फिर इडली बनाने के टाइम पर इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल करके मिक्स कर लें और इडली तैयार कर लें। पर आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में इंस्टेंट इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हम इनो काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में पानी को गर्म होने के लिए रखेंगे। कंटेनर में नीचे कोई भी जाली वाली प्लेट रख दें, या फिर इस तरह का कोई जाली वाला कंटेनर हो तो वो रख दें। बेसिकली हमें करना क्या है कि इडलियों को स्टीम में पकाना है, और पानी इडली की प्लेट को टच नहीं होना चाहिए, यानी इडली मेकर थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। तो अब इस कंटेनर को ढक देंगे और पानी को तेज गैस पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो सेकेंड स्टेप होगा, इडली मेकर के प्लेट्स में ऑयल या घी लगा करके ग्रीस कर लें। तो तैयारी हो गई है, अब इडली बनाना शुरू करते हैं। तो इडली बैटर को एक बार चेक कर लें। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करते टाइम पर कम से कम पानी डाल करके ग्राइंड करें ताकि बैटर गाढ़ा रहे। लेकिन इससे क्या होता है, कई बारी ग्राइंड करते टाइम पर क्योंकि पानी बहुत कम होता है तो ग्राइंडर मशीन पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इस चीज़ को अवॉइड करना पसंद करती हूँ, यानी कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ ताकि मेरा ग्राइंडर खराब नहीं हो, और इसलिए मेरा बैटर इस तरह का पतली कंसिस्टेंसी का बनता है। तो अगर आपका भी बैटर इस तरह के रनिंग कंसिस्टेंसी का हो तो घबराइएगा नहीं, इसमें 1-2 चम्मच फलाहारी आटा मिला दें, जैसे सिंघाड़े का आटा हुआ या राजगिरी का आटा हुआ, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें।
तो आप देखेंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये बन गया है, एकदम परफेक्ट इडली बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है। तो इडली बनाने के लिए इस बैटर में हम आधा चम्मच डालेंगे इनो, और इनो डाल करके भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इडली मेकर की प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और फिर प्लेट्स को मेकर में अरेंज करेंगे और इडलियों को स्टीम में पकाएंगे। तो पानी अच्छा बॉईल हो गया है और अब इस कंटेनर में इडली मेकर रखेंगे और इसे ढक करके तेज गैस पर 7 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। फिर 7 मिनट बाद में कंटेनर से इडली मेकर को निकाल लेंगे और इडली मेकर की सभी प्लेट्स को अलग अलग कर देंगे। और फिर 2 मिनट बाद में इडली प्लेट्स में से इडली भी निकाल लेंगे। तो इडली भी तैयार हो गई है। अब सांभर को कंटिन्यू करते हैं। तो सांभर के लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में 1 चम्मच जीरा डालें, 1.5 चम्मच तिल डालें, 1 पीस दालचीनी डालेंगे और 8-10 काली मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफलियां डाल रहे हैं। तो मूंगफलियों को भुन करके इनका छिलका उतार लिया था, तो ये इसमें डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भुन लेंगे। तो मसाले भुन गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब गैस की फ्लेम को कर दें बिल्कुल लो और लगातार चलाते हुए इनको लो फ्लेम पर 2 मिनट और भुन लें बस। फिर मसालों को ठंडा करके बारीक ग्राइंड कर लें। अब एक पैन में 2 चम्मच घी गरम करें और इसमें डालें 4-5 मीठे नीम के पत्ते और इन्हें लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लें। इससे मीठे नीम का अच्छा सा फ्लेवर घी में आ जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप मिक्स सब्जियां। तो सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ घिया, कद्दू, शकरकंदी, यानी कि मैं वही सब्जियां ले रही हूँ जो हमने ग्रेवी बनाने के लिए काम में ली थी। तो हमने टोटल 3.5 कप सब्जियां काटी थी, जिनमें से 2.5 कप हमने बॉईल कर ली हैं और 1 कप हम यहाँ पर घी में भुन रहे हैं। तो इससे होगा क्या, जैसे सांभर में ग्रेवी में सब्जी दिखाई देती हैं, उसी तरह से हमारे इस सांभर में भी ग्रेवी में सब्जियां दिखाई देंगी। तो सब्जियां डाल करके घी में सब्जियों को थोड़ा सा भुनेंगे और थोड़ा सा इस पर सेंधा नमक और मिला लेंगे। पर ये ध्यान रहे कि ग्रेवी के लिए सब्जियां बॉईल करते टाइम पर भी हमने थोड़ा सा नमक डाला है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा नमक ध्यान से डालें। अब सब्जियों को घी में थोड़ा सा भुनेंगे, फिर ढक करके इन्हें थोड़ा सॉफ्ट होने दें। तो अब चेक कर लेते हैं, सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालें और थोड़ा सा भुनें। और फिर 1/2 कप इसमें दही डाल करके लो फ्लेम पर चलाएं और साथ ही बॉइल्ड सब्जियां जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया है वो भी डाल दें और अच्छे से मिला लें। फिर इसमें जैसी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें और मिला लें। और अब ग्रेवी में उबाल आने दें। तो जब तक सांभर में बॉईल आता है, सांभर के लिए तड़का बना करके तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा घी गरम करें, इसमें 2 चम्मच तिल डालें, 4-5 मीठे नीम के पत्ते डालें और थोड़ा सा फ्राई कर लें। और फिर थोड़ा तड़का पूरी सांभर में मिला लें और फिर सांभर में ऊपर से 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और मिला लें। तो लीजिए सांभर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और सर्व करते टाइम पर ऊपर थोड़ा सा तड़का और डालें। और फिर इस सांभर को इडली के साथ या फराली डोसे के साथ में सर्व करें। और एक बात,
नेक्स्ट रेसिपी हम ला रहे हैं फराली डोसे की, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और रेसिपी के अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।